इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम पूर्ति का नियम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूर्ति के नियम के अंतर्गत हम पूर्ति का अर्थ तथा परिभाषा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पूर्ति के नियम की अवधारणा क्या है उसके बारे में जानेंगे तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्ति का अर्थ तथा परिभाषा। पूर्ति का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित समय में तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार होता है। इसे हम उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। रुपए 800 प्रति क्विंटल की दर से इस महीने बाजार में गेहूं की पूर्ति रुपए 10,000 क्विंटल है। पूर्ति की परिभाषा। अन्य बातों के समान रहते हुए किसी सेवा या वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में भी कमी होती है। अतः पूर्ति का कीमत से सीधा संबंध होता है। पूर्ति के नियम की अवधारणा। पूर्ति का नियम कीमत तथा बेची जाने वाली मात्रा के बीच सीधे संबंध को बताता है। इसलिए जब पूर्ति के नियम को पूर्ति रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं तो पूर्ति रेखा दाएं को ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। आपने चित्र में देखा होगा ओ आई पर हमने वस्तु की मात्रा दिखाया है और ओ एक्स पर वस्तु की कीमत। प्रारंभ में जब वस्तु की कीमत ओ पी है और वस्तु की मात्रा ओ क्यू है। अगर वस्तु की कीमत में कमी आती है OP से घटकर OP1 हो जाती है तो वस्तु की मात्रा भी OQ से घटकर OQ1 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP2 हो जाती है तो वस्तु की मात्रा भी OQ से बढ़कर OQ2 हो जाएगी। अर्थात आपने देखा कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मात्रा में कमी आ जाती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है। ये जो आप यहां से रेखा देख रहे हैं नीली रंग की SS, इसको सप्लाई रेखा पूर्ति रेखा कहा जाता है। ये रेखा दाएं से ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। ऐसा निम्न कारणों से होता है। पहला, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से विक्रेताओं को लाभ होता है जिससे वे पूर्ति की मात्रा को बढ़ाते हैं। अर्थात विक्रेताओं को कीमत में वृद्धि होने से लाभ होता है जिससे पूर्ति की रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है। दूसरा, कीमत में कमी होने से विक्रेता को हानि होने लगती है जिससे वे वस्तु की पूर्ति को कम कर देते हैं। अगर वस्तु की कीमत OP2 से घटकर OP1 हो जाती है तो वस्तु की मात्रा भी OQ2 से घटकर OQ1 हो जाएगी, तो पूर्ति ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ खिसकेगी। तो चित्र को देखकर हम यही समझ सकते हैं कि अगर रेखा नीचे की तरफ बढ़ती है तो विक्रेताओं को हानि होती है और अगर रेखा ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो विक्रेताओं को लाभ होता है। इसी को पूर्ति का नियम कहते हैं जिसमें पूर्ति की वस्तु की कीमत तथा उस बेची जाने वाली मांग के बीच सीधा संबंध होता है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं: वस्तु की कीमत, उत्पादकों की रुचि, करारोपण की नीति, तकनीकी ज्ञान, परिवहन व संचार के साधन, उत्पादन के साधनों की कीमत। अब हम पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। वस्तु की कीमत। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो
तो उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी और वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति घट जाएगी। उत्पादकों की रुचि। यदि उत्पादक एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु का उत्पादन करना अधिक पसंद करते हैं तो इससे दूसरी वस्तु की पूर्ति अधिक होगी। करारोपण की नीति। जब सरकार किसी वस्तु पर अधिक कर लगाती है तो वह वस्तु महंगी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान के अधिक प्रयोग करने से वस्तु के उत्पादन लागत में कमी आती है और उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। परिवहन व संचार के साधन। परिवहन व संचार के विकसित तथा सस्ते साधनों के उपलब्ध होने से वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाएगी। उत्पादन के साधनों की कीमत। यदि उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी और वस्तु की पूर्ति कम होगी तथा साधनों की कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।